लबीना मना कर रही थी मेरे बर्थडे में आने के लिए, मैंने ऐसा सुना था। हैप्पी बर्थडे सुमेश, तुम जियो हजारों साल। दिखाया है इसको मैंने, फर्स्ट टाइम मेकअप किया है और आप क्यूट सी लग रही हो। दिखा अच्छा लग रहा है। दोबारा पता नहीं, ये बताओ लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं होना चाहिए? तो हेलो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं। हां तो गाइस क्यूटीज, तो कैसे लग रहे हैं देखो गाइस, इन दोनों की जोड़ी। अच्छा मेरा तो नहीं होगा ना, मेरा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम तो यार ऑलरेडी स्मार्ट हो, इसमें स्मार्ट करने की क्या जोड़ता है। और जो रितिका है उसका मैंने देखो फर्स्ट टाइम मेकअप किया है और आप क्यूट सी लग रही हो। रितिका को अच्छा लग रहा है, मेकअप अच्छा लग रहा है, मस्त। अच्छा मतलब यार मेकअप ना मस्त करा यार, कॉन्टेक्ट नंबर को मैसेज करो यार, इनको करवानी है। नहीं ऐसे भी नेचुरल ये फेस जो है ना उसका अच्छा है, तो होता है। हाँ ये है, हर किसी के लिए अच्छा लगता है। हाँ तो गाइस पार्टी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम केक वगैरह काटेंगे, तो ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। और रितिका की ड्रेस देखो कितनी प्यारी, ऐसे बर्थडे पे सच में अच्छी लग रही है। ऐसे पिंक कलर लड़कियों का है, ऐसे जस्ता है। चलो गाइस, तो अभी दोनों बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद फिलहाल आपको यहाँ लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपसे मैं शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखो ये सारे लोग। हाय सना सुमेश, हैप्पी बर्थडे सुमेश, तुम जियो हजारों साल, यही हमारी आरजू। तुम्हें से थोड़ा सा समय तुमने हमारे लिए निकाला, उसके लिए हम तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम इधर इधर को लाइट अपने कीमती वक्त, ये ब्लॉग बना रहे हो क्या बना रहे थे? ये हटा देना भाई, ये ब्लॉग में आई। तो गाइस सुमेश ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमेश की आज क्या कहते हैं रिंग सेरेमनी है। तो गाइस लबीना मना कर रही थी मेरे बर्थडे में आने के लिए, मैंने ऐसा सुना था। फिर रवीना को नहीं, मुझे सरप्राइज है तुम्हें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिना बताए बट प्लान चौपट हो गया। इसने बहुत ज्यादा ऐसे बोलने लगा, नहीं आओगी तो बताऊंगा, तो मैंने कहा चलो आती हूँ। और ये देख सकते गाइस, मेरे को तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है दूल्हा राजा कोई अभी बस अभी घोड़ी आने वाली है। नहीं घोड़ी चढ़ चुकी है, दुल्हन आने वाली है, तो ऐसा फील हो रहा है मेरे को। बाकी सुमेश बहुत बहुत स्मार्ट लग रहा है, बेइज्जती करवा दी। लाइट दिख रही है यार, तुम ऐसे स्मार्ट हो, तुम्हें इतनी लाइट की जरूरत नहीं। सच में स्मार्ट लग रहे हो यार तुम। आप लोग कमेंट करके बताना कि सुमेश स्मार्ट लग रहा है लग रहा। सच में गाइस मुझे बहुत ही स्मार्ट लग रहा है ये बंदा, मेरा दिल आ गया है। देख सकते हैं इसको, देखो चलो 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 चलो। बाकी आप लोग अभी केक कटेगा तो ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को बहुत बहुत सारा प्यार देना। ये रही गाइस सना, फोटो क्लिक करा लो, एक मिनट। ये रही सना गाइस, देखो ये भी रेडी हो चुकी है, सरस जी का बर्थडे है, तो ये देख सकते हैं इसकी ड्रेस। दो मिनट बेबी, अरे यार रुक जाओ ना, तो देख सकते हैं ये इसकी फोटो का खत्म नहीं होने वाली है। पता है मैं हमेशा ऐसी बोलती हूँ, कुछ नहीं समझेगा। बाकी ये मितानी रेडी हो चुके हैं, दोनों साथ में कपल काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं यार। कुछ शायरी मेरे ब्लॉग में बोलो ना, जो तुम मतलब अपने इंस्टा पे बोलती हो, मुझे अच्छा लग रहा है। जो भी क्या कहते हो, जो क्या बोलते हैं, हाँ जैसे तुम जो तुम एक लफ्ज बोलते हो ना तानी, ये बताओ, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो चीज दोबारा बोलते हैं। ये बताओ लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा बॉयफ्रेंड होता है जो प्यार करता है, जो पिट लेता है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी सब प्यार करने वाला इतना अच्छा है। जैसे अभी मैं सबको बोलती हूँ कि फ्रेंड हो या फिर सीधा बॉयफ्रेंड हो, बीच में मत लटकाओ किसी को, राइट? क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है ना बीच में, रिलेशनशिप खराब करने वाला, वो बेस्ट फ्रेंड ही होता है। जब बॉयफ्रेंड थोड़ी नोकझोंक होगी उसमें तड़का लगाएगा, तड़का लगाएगा, आग में घी डालने वाला काम बेस्ट फ्रेंड ही करता है। ऐसे बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो, इससे अच्छा अपने जिसके साथ हो उसी साथ खुश रहो। दोस्तों से भी दूर रहो, लोग ना साथ में देख के खुश नहीं रहते। सही बात है, सबको प्यार करने वाले मिलते नहीं है, और जिनके पास होते हैं ना आग लगाते हैं फिर तीसरे दिन। प्लीज आप लोग दानी और अमित में आग मत लगाना, बहुत अच्छे कपल है। ये लोग नहीं, मैंने ऐसे लोगों को लाइट कर रखा है, जो है उनके बारे में बोल रही, बाकी तो ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। ऑडियंस है जो हमसे इतना प्यार करती है, तानी का भी इंस्टाग्राम पे, तानी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स है, मैं भी पार्टी करूंगी। अच्छा कांग्रेचुलेशन, ये जो फैंस लोग
लोग है ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं तानी बहुत अच्छा ही बोलती है, मतलब मतलब लोगों को मतलब जो चीज बता रही है ना वो चीज रियलिटी है कि हाँ ये है। लोगों को लगता है मतलब कुछ कमेंट करते हैं ओवर एक्टिंग, भाई ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जो हमने खुद फील किया है ना वो चीज है। तुम जो बोलती है ना दिल से निकलता है, ऐसा लगता है कि हाँ जो है तो सब कुछ रियल है भाई, कुछ फेक नहीं है, होता है ऐसा यार। बाकी तब हम जोड़ी की बहुत अच्छी है दोनों जोड़ी, और ऐसे ही हमेशा सलामत रहे, जल्दी शादी करे हमें बुला, बस यही। ये हमारे फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफर हमारे, हाय 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 सूरज, हाय हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया, खुश। ये 10 रुपए उठा लो, नहीं आप उठा लो मेरी तरफ से, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं जरूरत नहीं है। कैमरा लेके और कैम अमन सुबह से है, सुबह से यार सॉरी, देख लो भैया पहले कौन पहले पता ही कर, दाढ़ी मेरी नहीं भाई, ये क्या कर रहा है, दाढ़ी मेरी नहीं है, नहीं क्या पे जल्दी वहां से हटो, 1 2 3 रेडी आ जाओ, कम कम भैया अब एक्टिविटी करो तो कहां ले जा रही है सना दे दे सरप्राइज, बस स्टॉप, हां चलो दिखाओ, आप देखो दिखाओ रिएक्शन प्यारा वाला, गंदे चलो बनाओ देवल आ गया भाई, तुम साथ में ना, एक कपड़े में चल के भाई, आ इधर चलो, यहां चलो, आ जीने दो, वही रहो वही खड़े रहो, हां वही खड़े रहो, मैं भाई स्टार्ट कर दे रहा हूँ, हजारों साल बहुत तरक्की करे हमारा भाई, अरे? दो चार गाड़ी खड़े कर दे, अरे जल्ले दो यार से। तुम पिटो दूर से भैया, एक ही फोकस खिलाओ मुझे, तो गाइस फाइनली हमारा भैया का बर्थडे मन चुका है, हाँ सही है सही बोलो ना, तो गाइस हमारे फाइनली भैया का बर्थडे हो चुका है और अभी खिला रहे हैं सबको, तो गाइस अभी देखते रहो क्या होता है वीडियोस में, मजा आ रहा है। मैं तुम्हारे कुछ लेके आई स्पेशल चीज, पहले मैं वो दे देती हूं, ठीक है? पहले बंद करो, बंद करो, केक खिलाने रुको, बात अब ना पहले ना आप ना ब्लॉगिंग के लिए आप अकेले पहले गिफ्ट वगैरह अनबॉक्सिंग करवा लो, फिर हम देंगे बाद में, तुमसे काटेंगे ना हाथ से खिलाना, रोस्टिंग छोड़ यार, मेरे को केक तो खिलाते लेना यार, रोस्टिंग दो पहले, दो यार मेरी एक केक लेना, केक खिलाने वाला लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान्स नाउ बुक तत्काल टिकट्स ऑन फ्लेक्सिबल ट्रेन ऐप, बुक नाउ। बर्थडे बिस्कुट डरा रहे उसे, मुंह क्या लटका रखा था असले, ग्लो आ रहा है खुश हो तुम प्यार, लेकिन खोलेंगे कहां से, उसमें वो होगा ना डायरेक्ट चली जाएगी गर्दन में, पास से ले लो इतनी कीमत से चीज लाई है यार, सिनेमैटिक दे दो क्या यार, कैसे हो, ले सिनेमैटिक ला बेटे, ये लो ठीक है, मुझे धक्का नहीं देना, थैंक यू सो मच, इतनी सारी प्यार से गिफ्ट देने के लिए, ये गोल्ड की चैन दी है, अच्छा मेरे का लोकेशन भैया की जंजीर यार, असली रिएक्शन अब असली स्माइल अभी आया भैया के चेहरे पे देख रहे हो, अब कसम से पहले से नहीं थी, अब भी दिख रहा रियल थी, मगर वो ना थोड़ा लोकल लग रही थी, अभी ओरिजिनल लग रही, हां ओरिजिनल आया खुशी की यार, मजा आया, चलो थैंक यू, इसे पहनाती हूं रील भी बना ले, एक हरीश बना लो, हां अभी होगा नहीं एक और होगा उसमें, ये प्यारा सा गेस्ट गाड़ी भी करती सना, हीना सना मेरा हीना, रवीना की तरफ से,
ब्लैक वाला था ना सो मच नहीं ये बढ़िया यार चार साल मामूली नहीं होता किसी दोस्त के साथ निभा लो गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं देखते थे ये तुम्हारा फेवरेट गिफ्ट है जो सना ने मेरे को बताया था तो मुझे पता भी नहीं इसके अंदर क्या है गैस करो गैस करो गैस करो क्या है गैस मेरे 10 साल में जिससे मैं काम कर रहा हूं तुम्हें पसंद आएगा भगवान से रिलेटेड मे बी कुछ नहीं 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 गलत रॉन्ग नंबर सना ने मेरे को बोला था इसलिए मैंने वही चीज घड़ी है उसमें नहीं मुझे जरूरत थी मुझे इसके अंदर एप्पल वॉच तो हो नहीं सकती ये चलो बाद में ना भैया अनबॉक्सिंग का भी वीडियो बना रहा उसको मैं खिलाऊंगा अपना अपना खाएंगे सब तो मुझे नहीं खिलाएगी मुझे नहीं खिलाएगी मुझसे प्यार नहीं करती तो अपना तो खा रहे हो ना खाना कैसे ऐसे कैसे दोस्ती है भाई अब तू निकल ले यहाँ से निकल ले नहीं तो एक पीना पड़ेगा तो